जैसे वाराणसी साड़ी के बगैर नई नवेली दुल्हन का श्रृंगार अधूरा है, वैसे ही बिना वाराणसी चांदी वर्क के मिठाइयां अधूरी है। दिवाली हो या होली, चांदी वर्क वाली ये मिठाइयां खाई और मेहमान नवाजी में खिलाई जाती है। कुछ लोग खूबसूरती के लिए ये मिठाइयां घर लाते हैं तो कुछ ये सोचकर कि चांदी सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चांदी की ये चमक तैयार कैसे होती है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के उन गलियों में जहां कभी हर घर से हथौड़े की शोर गूंजती थी, लेकिन महंगाई की मार और आधुनिक मशीनों की वजह से ये व्यापार भी सिमट कर रह गया। पहले के मुकाबले अब चांदी वर्क का काम काफी कम हो गया है, लेकिन आज भी भारत के कोने कोने से वाराणसी वर्क की डिमांड है। खटखट के शोर भले ही एक मिनट के लिए आपको झल्लाने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन इन्हीं हथौड़ों की मार सहकर तैयार होता है यहाँ का नायाब चांदी वर्क। ये है वाराणसी का छत्ता तले मोहल्ला। एक समय ऐसा था कि संकरी गलियों वाले छत्ता तले के लगभग सभी मकानों से 2400 घंटे हथौड़ी की आवाजें गूंजती रहती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ हाथों की जगह मशीनों ने ले ली और देखते ही देखते इस काम से लोग दूर हटने लगे और आज इस काम में बस कुछ ही गिनती के लोग रह गए हैं। किसी वक्त में पूरा छत्ता तला चांदी के वर्कों से भरा पड़ा था, क्योंकि महंगाई की मार से ये धीरे धीरे कम होता गया। ये एक प्रोसीजर का काम, एक गड्डी करीब 10 ग्राम की बनाने में 3 घंटा लग जाता, अभी भी इसकी मजदूरी 100 रुपये से अधिक नहीं पड़ती और इसमें नए लोग आ नहीं रहे। पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, पर्चे हैं वही लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बनारस की अपनी एक पहचान, अपनी एक विशेषता के लिए मशहूर है और इसकी वर्क में बड़ी खासियत है। चांदी का वर्क न केवल मिठाइयों में इस्तेमाल होता है बल्कि बनारसी पान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक वक्त ऐसा था कि बनारसी वर्क और तबक सोने का बना करता था, लेकिन बढ़ती महंगाई और सोने के दामों के चलते अब ये चांदी तक ही सीमित रह गया है। 8 से 10 ग्राम वाले वर्क को बनाने में 3 घंटों से ज्यादा का वक्त लग जाता है और मजदूरों को इसे बनाने के लिए महज 100 रुपए ही मेहनताना मिलता है। यहाँ कारोबारी बताते हैं कि दिवाली पर बनारसी वर्क की मांग बढ़ जाती है, लेकिन मशीनों से तैयार होने वाले वर्क ने यहाँ के कारीगरों को काफी नुकसान पहुँचाया है। अब ये फर्क आ गया कि अब वो हथौड़ा जो पहले चलता था तो 16-32 रुपए की मजदूरी करके हम खुशहाल रहते थे हम लोग बनारसी में। आज जो है तो 200-250-300 रुपया भी कमा रहे हैं, लेकिन जो है तो सवेरे तो शाम तक जानी हटना पड़ता है। 300 से ज़्यादा नहीं, कलेजा तोड़ करके काम करेगा कारीगर 300 रुपए की मजदूरी कर लेगा बस। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।